माता दिन जाटव अध्यक्ष जय काली माँ मछुआ समिति को मछली पालन हेतु विधिवत अपर ककेटो बांध फरारा स्वीकृत है। दबंगों द्वारा मछलियों की लूटपाट की शिकायत को लेकर एसपी ऑफिस आकर शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें बताया गया कि दबंगों द्वारा मछलियों की लूट हो रही है, इसका विरोध किया जाता है तो जाति सूचक गालियां और जान से मारने की धमकी दी जाती है। संबंधित थाने में जब इसकी शिकायत दर्ज कराई जाती है तो शिकायत दर्ज ना करते हुए बल्कि थाना प्रभारी द्वारा कहा जाता है कि हम मंत्री जी के आदमी हैं, तुझे ही झूठे केस में फंसा दूंगा और तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जानकारी के अनुसार बता दे कि माता दीन ने एसपी ऑफिस आकर शिकायत की है कि उक्त तालाब पर दिलीप सिंह तोमर एवं भदौरिया रामकली चौधरी सोनू मनफुल जाटव एवं अन्य दबंगों द्वारा अवैध रूप से मछलियां पकड़ी जाती है एवं मना करने पर हमारे साथ बंदूक की नोक पर मछलियों एवं पैसों की लूटपाट की जाती है। वहीं सभी समस्याओं का न्याय लेने के लिए पुनः एसपी ऑफिस आकर न्याय की गुहार लगाई। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम माता दीन जाटव है। कहाँ से आए? मैं परारा से आया हूँ। क्या समस्या लेके आया हूँ? मैं समस्या ये लेके आया हूँ, मैं जय काली माँ मछुआ सहकारिता समिति का अध्यक्ष हूँ और समिति ने मुझे अधिवक्त किया है, तो हम मछली पकड़ने काम है और अभी सभी सदस्यों के परिवार पालन पोषण करते हैं। क्या कुछ समस्या लेके आया? मेरी समस्या सर ये है कि उसमें अपराधी किस्म के दबंग लोग जबरदस्ती, जबकि ठेका हमारा है और उन लोगों के पास कोई ठेका नहीं, कोई कागज नहीं, वो दबंग लोग, उनका नाम है दिलीप सिंह तोमर, शिवम भदौरिया, रामकली चौधरी, सोनू चौधरी, वो लोग जबरदस्ती वहाँ पर टेंट बना करके रह रहे हैं और जबरदस्ती दादागिरी से वहाँ मच्छी पकड़ रहे हैं, जो कि मच्छी हमारी समिति के लोगों ने भी डाला है उसमें, वो लोग निकाल रहे हैं। इसका कोई संबंधित क्षेत्र होता है? हाँ, इसका संबंधित क्षेत्र है विजयपुर, तो उसका 5% 10% भाग शिवपुरी जिले में सर, वहाँ मुझे परेशानी है। शिवपुरी जिले में किस जगह? ये बूढ़ा अपर ककेटा डैम है। वहाँ पे समस्या है कि जो 5-7% भाग शिवपुरी जिले में आ रहा है, बूढ़ सीमा लगती है जो गोवर्धन थाना लगता है वहाँ में, वो उस थाने की सीमा में रह करके वो दबंग लोग काम कार्य कर रहे हैं। आपने थाने में की शिकायत की? मैंने सर थाने में 2-3 4 बार शिकायत की है, लेकिन मुझे आश्वासन कुछ नहीं दिया, देख लेंगे। और अब मैं दोबारा गया था लास्ट में आवेदन देने, तो मुझसे थाना प्रभारी ने जो बोला था कि साले ज्यादा नेतागिरी करेगा चमड़ा तो तेरे पसाव इतने मुकदमा करूंगा कि तेरी 7 साल जेल में सड़ती रहेगी। मुझे जाति सूचक शब्द गाली भी दिए थानेदार ने सब, और मेरे से बोला है कि ज्यादा तुम वो करेगा साले, मंत्री जी का रिश्तेदार हूँ। अब क्या चाहते हो? मैं सर न्याय चाहता हूँ, मेरी समिति को न्याय मिले, वो जो अपराधी किस्म के लोग वहाँ टेंट लगा के रह रहे हैं, दबंगाई से मछली पकड़ रहे हैं, उनके पास कोई कागज नहीं, ठेका हमारे पास है, कागज पूरे हमारे पास है, हमें न्याय मिले, हमारी समिति को न्याय मिले, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।